Good evening, all GPMAT aspirants. This is Abhyansh Chauhan, and let's learn the A to Z of English with ABC. Let's now talk about interesting questions of GPMAT and how can we prepare for the upcoming exams 2021, 2022, 2023 mein. Aise kya kya questions the and how can we make sure ki 2024 mein all these questions become familiar. Aisa lage hi na ki yaar exam mein ye kya aa gaya, naya kya aa gaya. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स में से कोई चीजें हमें एनालाइज करनी होती है तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए. इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि ये क्वेश्चन आया था और इसका ये आंसर था. इतने तक एनालिसिस अपना लिमिटेड हमें नहीं रखना है. सो हेयर आई एम विथ टू सेशंस ऑन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम जिपमैट, जिसमें द फर्स्ट सेशन इज अबाउट ग्रामर एंड वोकैबुलरी. ग्रामर एंड वोकैबुलरी के वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में थे एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट व्हेन इट कम्स टू 2024, उस पर डिस्कशन करेंगे. एंड इन द सेकेंड सेशन वी विल बी हैविंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नरेशन, वॉइस एज वेल एज पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स. ठीक है. सो आई होप यू गाइस आर रेडी. आपके क्वांट और रीजनिंग के सेशंस हो चुके हैं बट बिना वर्बल एबिलिटी के आई नो कि काम चलने वाला नहीं है. सो आई हैव 27 क्वेश्चंस इन दिस सेशन बट अगेन दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आंसरिंग दीज 27 क्वेश्चंस. उन 27 क्वेश्चंस में से What are the major takeaways आने वाले year के लिए, उस पर मुझे focus कर रहे हैं. So here I am with the first question, which is choose a word which is most nearly has the same meaning as venerate. सिर्फ venerate पढ़ लेना, question को answer कर देना, ये तो एक part हुआ. But यही हमारा sole objective नहीं होना चाहिए when we are analyzing previous year questions. तो क्या हमारा क्या क्या चीजों पर focus करना है. So venerate means to honor someone, respect someone. ठीक है, आंसर मिल गया. ठीक है, आंसर करना एक बात हुई, respect. What about the other options? What is this word defame? Can you tell me a couple of synonyms related to defame? क्योंकि examiner ने इस बार defame को ऑप्शंस में रखा है बट क्या पता 2024 में ही कैन आस्क कि भाई डिफेम का सिनोनिम क्या हो सकता है. सो इस तरीके से पेपर को एनालाइज करना है. अगेन सिर्फ आंसर करने नहीं जाना है, दैट इज समथिंग वो तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो बहुत इजी काम है. सो डिफेम मींस टू टेंट, टार्निश. ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर टेंट और टार्निश तो इजी वर्ड्स हैं, ये तो सुने हुए वर्ड्स लग रहे हैं, सो फिर इस वर्ड पे ध्यान दो जरा, विच इज बेसमर्च. ठीक है. सो जब भी आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो प्लीज मेक श्योर, अब एग्जाम बहुत नजदीक है, वी आर एट द एंड ऑफ जनवरी, सो वेयर इज दैट किलर इंस्टिंक्ट, अब वो आ जाना चाहिए. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन वेनरेट, this question was from GPMAT 2021. Again, 2021, 2022, 2023 ke mixed questions. The first session of verbal ability will be about grammar and vocab skills. The second session will be more reading intensive aur usme with a little bit of narration and voice as well. Ye is tarike se maine sessions plan kiye hain aapke liye. So 2024 mein you have to make sure ki bhai agar theek hai venerate to ho gaya, wo to ab aayega, aapse galti nahi hogi, mujhe pata hai. बट अगर एग्जामिनर डिफेम पूछ लेता है, सो नॉट जस्ट डिफेम, उसके क्या क्या और सिनोनिमस वर्ड्स हो सकते हैं, यू शुड कीप एन आई ऑन इट. राइट, सो दैट वॉज द स्टूडेंट्स आर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज सेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, हियर वी हैव टू चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू ऑडेशियस. सो ऑपोजिट इन मीनिंग आंसर करना, सिनोनिम आंसर करना, वो तो एक बात की बात है, उसको छोड़ देते हैं भी. What is exactly audacious behavior? What is audacious behavior? चलो ये बता दो मुझे. What is audacious behavior? Audacious behavior का example, bold, nonchalant, bold and nonchalant behavior. Bold behavior मतलब if I talk about sports, so there are a few players which come with a lot of with a very big image कि यार विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर एंड यू सी समवन फ्रॉम अफगानिस्तान और एनी अदर कंट्री लाइक दैट और वो विराट कोहली को स्लेजिंग कर रहा है. सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ ऑडेसिटी, दैट इज व्हाट एन ऑडेशियस बिहेवियर लुक्स लाइक. ठीक है,
So that is audacious for you. So bold, nonchalant, brave, you can say. So here we need to find the antonym of this word, which is coward, cowardly. So audacious ka antonym hoga cowardly. Now ek aur word jiske bhi bahut sare synonyms ho sakte hain jo aapke liye exam point of view se helpful ho sakte hain. So here I choose obvious. Now what is obvious? Obvious is something jo sabko pata hai. So obvious ke liye ek aur word hota hai jo newspapers mein kafi aata hai, which is blatant. Obvious is something which is open. So if I am to write the antonyms of this word, obvious ka main obscure likh sakta hu ek antonym. Obscure is something which is not well known. Obscure is something which is not well known. So that is all about this question. कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को बिल्कुल यू नो निचोड़ लेना ऐसे कि जो जो इंफॉर्मेशन मुझे वहां से मिल सकती है मैं गैदर करूंगा, क्योंकि ये एक एक छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं यही 2024 में देखने को आपको मिल सकता है. एग्जाम का एनालिसिस करना इंटरेस्टिंग. वाई इज दिस सीरीज नेम्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम जिममैट? फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि इन क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर टू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हियर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीपोजिशन, अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीपोजिशन अगेन फ्रॉम जिपमैट 2022, रादर जिपमैट 2021. ठीक है, अब प्रीपोजिशंस जो जितने भी प्रीपोजिशंस यहां पे हैं, बाय, इन, ऑन, विथ, ये सीरीज आप एक इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो कि जैसे आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो ये आपके आईपी मैट, जिप मैट, रोहतक, इन एग्जाम्स का प्री बोर्ड एग्जाम है. क्योंकि इन दो सेशंस में आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर हो, क्या लूप होल्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं और उनको कैसे वर्क करना है उन पर. ये आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच? सो इट इज ऑलवेज बाय द टाइम. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? ठीक है, हम स्पोकन इंग्लिश में, कन्वर्जेशनल इंग्लिश में इन योर वॉच बोल देते हैं. यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट. हमें ग्रामेटिकली करेक्ट चीजों पे ध्यान देना है. इट इज नॉट अबाउट कि हाउ यू स्पीक और आप कितने कूल बन रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में, वो मैटर नहीं करता है. ग्रामेटिकली करेक्ट हो तभी आप कूल बन सकते हो मेरे सामने भी, एंड एज फार एज एंड इन फ्रंट ऑफ योर एग्जाम्स इज वेल. एग्जाम्स में भी वो चीज आप तभी एक्सप्रेस कर पाओगे. सो इट इज नॉट, इट इज नेवर इन योर वॉच, इट इज नेवर ऑन योर वॉच, इट इज नेवर विथ योर वॉच. बाय का मतलब यहां पर यह हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू समथिंग. ठीक है, कि भाई अकॉर्डिंग टू वाला एक सेंस आ रहा है यहां पर. राइट, सो दैट वॉज आर क्वेश्चन नंबर थ्री, अगेन फ्रॉम जिप मैट 2021. Moving on, students. Here we have a different type of double filler question. See, मैं आपको हमेशा ये चीज कहता हूं कि आप अपने basics पर work करो, बाकी these things will take care of themselves. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप पढ़ के गए हो exam में कुछ और आ जाएगा. Question type की variety change हो सकती है, but basics तो basics है. They'll stay the same. So, अगर इस question की बात करें, the manager is not dashed for his position and in a dash of anger the teacher turned him out of the class. So what do you think could be the correct word which we can use in both the fillers, in both the fillers, students? So what is this phrase, fit of anger? What is this phrase, fit of anger? ठीक है, आप ये कह सकते हो कि सर ठीक है, फर्स्ट में मुझे फिट दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड में भी फिट यूज होगा. फिट ऑफ एंगर इज एक्सट्रीम अनकंट्रोल्ड एंगर. फिट ऑफ एंगर इज एक्सट्रीम अनकंट्रोल्ड एंगर. एंड The manager is not fit means not good. यहां पे fit का meaning ये something which is not good enough or not suitable.
सूटेबल और गुड इनफ। डबल फिलर्स के क्वेश्चंस जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं उसमें आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर फिट की जगह अगर मैं क्वालिफाइड लिखता, केपेबल लिखता, दैट वुड हैव मेड सेंस. यस, दैट वुड हैव मेड सेंस इन द फर्स्ट फिलर, बट सेकेंड में भी वो क्या सेम वर्ड सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअली वो करेक्ट है या नहीं, इन बातों पर हमें फोकस करना होता है. ठीक है, सो अगेन वन ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस. अब यहां से मुझे सीखना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. बहुत बार आप वर्ड के मीनिंग पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस वर्ड वैक्स, ठीक है, वैक्स के आपको एक दो मीनिंग पता हो सकते हैं. ठीक है कि वैक्स कैंडल्स होते हैं, वैक्स करना मतलब हेयर रिमूवल, दैट इज ऑल्सो वैक्स, बट वैक्स ऑल्सो मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन समथिंग. सो कहीं पर ऐसा कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा जहां पे यू यू विल बी लेफ्ट स्क्रैचिंग योर हेड कि ये वैक्स यहां पे सर कैसे अप्रोप्रिएट है. सो जब भी आप वर्ड पढ़ते हो, गूगल करते हो, आप देखते हो कि मीनिंग नंबर वन, मीनिंग नंबर टू, मीनिंग नंबर थ्री होता है. तो जिन वर्ड्स के देयर आर मल्टीपल यूजेजेस उनको एक बार अच्छे से देखा करो, उनको एक बार अच्छे से देखा करो, कॉन्टेक्स्ट उनका समझ ले जाना है. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन तो हम आंसर कर देंगे, ठीक है, दैट इज वन थिंग, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मुझे बिल्ड कैसे करना है. ठीक है, अब एग्जामिनर ने पूछा वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री. सो पर्सन रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो पूछना चाह रहा है. अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी कैटेगराइज करूं, सो आपको उसमें लॉजीज पढ़ना है, आपको उसमें फोबियाज पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ किलिंग्स पढ़ना है, ये तो हो गया. फिर इस तरीके के वन हु फील्स एट होम, वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, वन हु प्रिजर्व्स ऑल द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, वन हु इज इंडल्ज इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वन हु इज नॉट इंडल्जेंट इन द एल्कोहलिक ड्रिंक्स, इस तरीके के. सो आप समझ रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बुक उठाई, सर मेरी बुक में 600 थे, मैंने कर लिया है, सो डू आई डिजर्व अ पैट ऑन द बैक. कर लिया है, रट लिया है, आई आई वंडर कि वो आपको कितना हेल्प कर पाएगा. बट आप कैटेगराइज करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी कैटेगराइज करने जाओ, दैट इज समथिंग जो आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा. सो वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री इज अ कॉस्मोपॉलिटन, इज अ कॉस्मोपॉलिटन. अब यहां से एग्जामिनर का मन हो सकता है नेक्स्ट टाइम कि भाई वो पूछ ले व्हाट इज डेनिजन, व्हाट इज डेनिजन. ठीक है, सो डेनिजन क्या होता है, ऐसा एनिमल या ऐसा प्लांट जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही मिलता है. जैसे कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ अफ्रीका में ही होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते. कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एशिया में होंगे, और किसी कंट्री में नहीं होंगे, और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं होंगे. सो डेनिजन इज अ प्लांट और एन एनिमल. Found, found in a specific specific geographical location. जिसके लिए अगर मैं एक और वर्ड बोलूं, सो दैट इज इनहैबिटेंट. इनहैबिटेंट कि एक स्पेसिफिक एरिया में ही, जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं दे आर नोन एज डेनिजन. ठीक है, सो नॉट जस्ट कॉस्मोपॉलिटन, दैट वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट इन द कमिंग ईयर्स एग्जामिनर आपसे डेनिजन अगर पूछता है, सो आपको बोलना है कि यार सारी बातें हम पढ़ के आए, टेंशन की कोई बात नहीं है. ठीक है, सो मूविंग ऑन फ्रॉम हेयर. नाउ हेयर वी हैव एन ईडियम विच इज यूज इन इन अ सेंटेंस. तो ईडियम्स भी जिपमैट में, ये ट्रेंड मैंने काफी नोटिस किया है कि जिपमैट में डायरेक्ट ईडियम्स भी पूछ रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रहे हैं, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ देम. ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैंने तो बुक उठाई और ईडियम्स इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, बस हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा. कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं हमेशा इस चीज पे एम्फसाइज करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी,
कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ही जरूरी होता है. फॉर हिज एलिजिड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पाइनेज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज. ठीक है, सो अंडर अ क्लाउड इज अंडर सस्पिशन. ठीक है, दैट इज अंडर सस्पिशन, ये मीनिंग होता है इस idiom का. नाउ अंडर अ वेदर, ये भी एक idiom होता है. सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप ये idiom सर्च करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दें. ठीक है, इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा डिस्कशन आई गेस नहीं बनता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ थिंग ऑफ लिटिल और नो इम्पॉर्टेंस, समथिंग जिसका विच इज इनसिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है. सो ट्रिफल इज द करेक्ट वन, ट्रिफल. इसके अलावा और इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? ट्रिवियल, मिनिस्क्यूल, इनसिग्निफिकेंट. दिस इज हाउ यू कैन यूज, दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड ट्रिफल. नाउ हियर वी हैव अनदर वर्ड विच इज वेग. वॉट इज वेग स्टूडेंट्स? वेग भी आपके जिपमैट का बड़ा फेवरेट वर्ड है. ओवर द ईयर्स आई हैव सीन कि वेग को किसी ना किसी तरीके से कभी कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी में, कभी इस तरीके से, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है. सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेग? वेग इज समथिंग विच इज अनक्लियर, अनक्लियर. कोई बात, किसी की बात वेग हो सकती है, कोई एक्सप्लेनेशन बड़ा वेग सा हो सकता है. सो दिस इज वॉट वेग मीन्स. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अब अगर वेग आता है तो हमसे गलती अब नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, पूरे जितने वोकैबुलरी और ग्रामर, वोकैबुलरी और ग्रामर बेस्ड जितने क्वेश्चन थे आपके जिपमैट के एग्जाम में आज, उनमें से क्या क्या चीजें ऐसी इंटरेस्टिंग, व्हाई आर वी यूजिंग दिस वर्ड इंटरेस्टिंग, उसका सिंपल रीजन है. यहां से बहुत कुछ आपके पास सीखने के लिए, बहुत कुछ 2024 जिपमैट के लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो वेलकम टू द सेरेमनी. व्हाट डू यू थिंक, कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. व्हाट डू यू थिंक? सो यार इसमें ऑब्वियस है कि एक जनरल नॉर्मल सेंटेंस है, सो इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वेयर आई एक्सपेक्ट कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए. जनरल एक बात बता देता हूं, अगर पास्ट इंडेफिनिट होता सो V2 होता है यहां पे कहीं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मुझे नहीं दिख रहा है. पास्ट परफेक्ट होता तो वी शुड हैव यूज्ड हैड प्लस V3. अगेन दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग फ्रॉम दिस सेंटेंस. सिमिलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक जनरल सेंटेंस है, सो इसलिए ऐसा लिख रखा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी हैव दिस स्ट्रक्चर वेयर वी हैव हैज हैव प्लस V3. वी हैव आइदर हैज और हैव, और हैज हैव के साथ हमेशा V3 यूज होता है. सो दैट इज वॉट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. और अगेन टॉपिक पर फिर से फोकस करते हैं, आपको क्या सीखना है आज जाके, समझना है इस बात को. दीज टू वीडियोज आर लाइक प्री बोर्ड्स फॉर यू गाइज, आपके प्रिपरेशन के प्री बोर्ड्स हैं. आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको रियालिटी चेक भी मिलेगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, और आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आएंगी कि अब किन एरियाज पे मुझे ज्यादा वर्क करना है. सो टेंस, आर यू गाइज टेंस्ड अबाउट योर पेपर? आर यू गाइज टेंस्ड अबाउट योर पेपर? आई होप यू आर नॉट. सो टेंस, प्लीज मेक श्योर कि अब टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जामिनर ऐसे पूछे, स्ट्रक्चर में पूछे, स्पॉटिंग एरर्स में पूछे, फिलर्स में पूछे, हमसे गलती अब नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कैन यू गाइज अश्योर मी दैट? ठीक है, कॉमेंट में मुझे बता दियो भाई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हेयर अगेन वी नीड समथिंग, वी नीड अ वर्ड जो हम दोनों जगह पर यूज कर सकें. द कंपनी हैज एग्रीड इन डैश टू आर सजेशन. द इक्विपमेंट वर्क्स ऑन द डैश ऑफ आर्किमिडीज. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इतनी तो बेसिक नॉलेज आपको होगी, सो इतना आप फिगर आउट कर सकते हो कि सर प्रिंसिपल ही यूज होना चाहिए. बट हाउ इज दिस अप्रोप्रिएट इन द फर्स्ट वन? ये एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आया होगा कि सर ठीक है, सेकेंड में प्रिंसिपल था, तो क्या आपने फर्स्ट में भी कॉपी पेस्ट कर दिया है? नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं किया है. अग्री इन प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? अग्री इन प्रिंसिपल means, what does this mean?
To agree in principle, what does this mean, students? What does this mean? Agree in principle, मतलब एक नॉर्मल वे में यू कैन से बाय एंड लार्ज, यू कैन से जनरली, ठीक है? सो दैट इज व्हाट दिस अग्री इन प्रिंसिपल मींस। अब ये क्वेश्चंस जो है, दीज आर फ्रॉम जिपमैट 2021। अब ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने यहां पे क्या किया। एक फिलर वो ऐसा दे रहे हैं जहां पे डायरेक्ट वर्ड का यूजेज है, एक फिलर वो ऐसा यूज कर रहे हैं जहां पे उस फ्रेज या ईडियम का यूज है, ठीक है? तो इस तरीके से वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम्स में क्या हो सकता है, डबल फिलर्स में देयर कैन बी वर्ड्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो आप पढ़ते हो उनके यूजेज पे बेस्ड फिलर हो सकते हैं, या व्हेन आई से देयर आर सम वर्ड्स जिनके टू और थ्री डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो उनको भी यूज कर सकते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये ऐसे लेवल अप होता है, ऐसे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। यही छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं इन पर आपको फोकस करना है। मूविंग ऑन गाइस टू द नेक्स्ट वन, अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉगी। बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है, मोर और लेस सिनोनिम्स। अच्छा, ये भी उन्होंने खुद ही बता दिया कि जो पेयर्स हैं वो दीज आर पेयर्स ऑफ सिनोनिमस वर्ड्स, दीज आर पेयर्स ऑफ सिनोनिमस वर्ड्स। सो एक ऐसा पेयर मुझे ढूंढना है जिसमें सिनोनिमस वर्ड्स ना हो। इट इट डजेंट मीन कि वो एंटोनिम्स होंगे, बट इतना तो कंफर्म है कि वो सिनोनिम्स नहीं होंगे। सो डेंजर एंड पेरिल दे मीन द सेम, इनफ्रेंज ब्रेक दे मीन द सेम, लग्जरी एंड प्लेजर मीन द सेम, बट इंडल्ज एंड डिनाई डज नॉट मीन द सेम। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। इफ यू इंडल्ज इन समथिंग इट मीन्स यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दैट थिंग, डिनाई कर रहे हो मतलब उससे दूर जा रहे हो, यू आर नो वे इन्वॉल्व इन इट। सो दीज कैन बी एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर, दे कैन बी एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर, बट एक चीज तो पक्की है कि ये सिनोनिमस वर्ड्स नहीं है। सो फॉर दैट रीजन आई से कि ये करेक्ट आंसर होगा। सो जो मैं आप लोगों को कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, जो मैं आपको वर्ड की फैमिली, वर्ड के एंटोनिम, वर्ड के सिनोनिम्स को एक जगह पे कंपाइल करने का ज्ञान हर वीडियो में दे रहा हूं, आई गेस हर वीडियो में दे रहा हूं, उस ज्ञान को आप कितना फॉलो कर रहे हो ना, वही टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, वही टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है? सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लैरिटी है। मूविंग ऑन, आई हैव नॉट सीन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम। नाउ यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर, ठीक है? सिंस एंड फॉर के यूजेज में क्या डिफरेंस होता है, इस पर अब वर्क करते हैं थोड़ा। वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फॉर। वी यूज सिंस व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक और एग्जैक्ट और फिक्स्ड टाइम ऑफ द पास्ट। स्पेसिफिक एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम ऑफ द पास्ट। वी यूज फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ टाइम। सो आई एम सेइंग कि यार मैं किसी को बहुत टाइम से नहीं देखा, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट इज दिस, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस इज लेंथ ऑफ टाइम। लॉन्ग टाइम हो शॉर्ट टाइम हो, बट है तो ड्यूरेशन ही, ड्यूरेशन ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। फॉर इज द करेक्ट प्रिपोजिशन दैट वी नीड टू यूज इन दिस केस। व्हाट आर द मेजर टेक अवेज 2024 में, सर क्या हो सकता है 2024 में? बच्चा पार्टी, यहां पे लॉन्ग टाइम की जगह द एग्जामिनर कैन राइट 1986। 1986 इज अ फिक्स एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ द पास्ट, सो फॉर की जगह पे वील रिप्लेस इट विद सिंस। यही बेसिक यूजेज होते हैं, यही बेसिक चेंजेस एग्जामिनर एग्जाम में करता है, राइट? सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय प्रॉपर वर्ड। बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अबाउट यूजिंग द प्रॉपर वर्ड, दिस इज अबाउट यूजिंग द प्रॉपर प्रेपोजिशन।
नोइंग कि विच वर्ब टेक्स वॉट प्रेपोजिशन. कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस वेरी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज होते हैं एंड दे कन्वे अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग. बट देर आर सम वर्ब्स जहां पे फिक्स होता है कि यार इस वर्ब के साथ यही प्रेपोजिशन यूज हो सकता है. सो ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ, फ्राइटेंड प्लस ऑफ ही यूज होता है हमेशा. फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है, इट इज नॉट अबाउट चूजिंग द प्रॉपर वर्ड. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फिक्स्ड प्रेपोजिशन. ठीक है, जैसे हमें पता है कि भी विथ दिस वर्ब केटर वी यूज टू, ठीक है, विथ अबाइड वी यूज, वी नीड टू अबाइड बाय द रूल्स, एडहेयर प्लस टू. सो देयर आर एन नंबर ऑफ वर्ब्स जिनके साथ फिक्स होता है कि ये प्रिपोजिशंस यूज हो सकते हैं. सो यू डोंट नीड टू गो ऑन एंड जस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार पढ़ जरूर लो ताकि ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमसे गलत ना हो. He was frightened of being killed. Of being killed. ठीक है, that is what the correct word or correct phrase. But main यहाँ पर role था, it was about preposition and not about कि वहां पर क्या correct होना चाहिए था. अगर preposition आपको पता है so इस question में आपको कोई trouble नहीं होता. Moving on to the next question. A general pardon. A general pardon granted by government to political offenders. General pardon, तो इसका आंसर pardon नहीं हो सकता. Pardon is like forgiveness. कि ठीक है माफ किया यार. इसके लिए वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल. क्या रोल होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, कि भाई एमनेस्टी माफी. सो जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज नोन एज एमनेस्टी. दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर. एंड क्या क्या सीख सकते हैं यहां से. सो गवर्नमेंट क्या क्या लीगल टर्म्स का यूज करती है, जैसे जनरल पार्डन के लिए एमनेस्टी है. किसी को हैंग टिल डेथ वाला जो चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, इट इज कैपिटल पनिशमेंट. सो ये लीगल टर्म्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. अब लीगल टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए मैं लीगल स्टडीज करने नहीं चला जाऊंगा, बट वो लीगल टर्म्स जो इंग्लिश में बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं उन पर फोकस मैं जरूर करूंगा, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट जरूर बनाऊंगा. मेरा एज अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह, सो दिस शुड हैव बीन माय अप्रोच. He was all at sea when he began his new job. Now, what does this mean? To be at sea. Kya matlab hai ki aap, you're standing on the beach. Maza aa raha hai. Kya? Kya meaning ho sakta hai? So, to be at sea means to be confused. Ab, if I talk about confused, to confused to mujhe option mein nahi dikh raha hai. So, puzzled is the correct answer. अब आप अपनी तरफ से आपको क्या ड्रिल करनी है, 2024 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या सीखने को मिल रहा है. सिंपल, कंफ्यूज्ड के जितने सिनोनिम्स आपको हो सकते हैं ना उतने सिनोनिम्स लिख लो. कंफ्यूज्ड, बिम्यूज्ड, बिफडल, बैम्बूजल्ड, देर आर लाइक 10 to 12 ऐसे वर्ड्स कंफ्यूज से रिलेटेड जो बार बार एग्जाम्स में किसी ना किसी फॉर्म्स में दिख रहे हैं. So this is your drill for today. Confuse और उसके जितने synonyms हो सकते हैं अपने पास compile करो और comment section में भी मुझे लिख कर बताना कि सर ये वाला confuse का synonym मुझे unique लगा, क्या आपने सुना था. Let's see that. You guys can also challenge me कि सर ये words मुझे बड़े काम के मिल रहे हैं, आप देखिएगा. ठीक है, moving on. Those who work by fits and starts seldom show good results. Now, idiom context में आ जाने से आपका advantage है आपका वहां पर. कैसे, आप context समझ ले जाओ. Those who work in some manner, ठीक है, हमें नहीं पता what is that manner, seldom show good results. मतलब they rarely or they hardly show any good results. So, काम आप regularly कर रहे होगे
तभी आपको गुड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। डजेंट दैट साउंड ऑब्नॉक्शियस? डजेंट दैट साउंड लाइक अ पैराडॉक्स? डजेंट दैट साउंड बहुत ही मतलब वियर्ड? नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। सो रेगुलरली नहीं हो सकता। वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर कि जब मैं ईडियम्स की लिस्ट बनाता हूं, ईडियम्स लिस्ट, डैश एंड डैश वाले ईडियम्स का एक अलग कैटेगरी होता है। डैश एंड डैश, व्हाट डज दिस मीन? स्पिक एंड स्पैन मैंने बोल दिया, ठीक है, विच इज नीट एंड क्लीन। व्हील एंड वो, ठीक है, मैंने यहां पर बोल दिया इन एंड आउट या इन्स एंड आउट्स, प्रोज एंड कॉन्स। सो ये पेयर वाले ईडियम्स की लिस्ट भी मुझे बनाते हुए चलना है। जब भी मैं ईडियम्स पढ़ रहा हूं, लास्ट में लास्ट रिसॉर्ट तो मेरे पास है कि ये रहा ईडियम, ये रही मीनिंग, ये रहा ईडियम, ये रही मीनिंग, ये तो मैं करूंगा, बात की चीज है। बट इनिशियली मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? आई विल वर्क ऑन थीम्स। व्हाट काइंड ऑफ थीम्स एम आई टॉकिंग अबाउट? एनिमल ईडियम्स एक साथ कंपाइल कर लिए, नेशनैलिटी ईडियम्स एक साथ कंपाइल कर लिए, कलर ईडियम्स, फूड ईडियम्स, क्लॉथ्स ईडियम्स, दीज पेयर ईडियम्स। इतना तो करो पहले, इतना तो करो, देन आई विल टेल यू कि और क्या क्या तरीके हम कर सकते हैं। दिस शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। मूविंग ऑन, मिस्टर गुप्ता आर चेयरमैन अकम्पनीड बाय हिज सेक्रेटरी हैव अराइव्ड एट द ऑफिस। सो जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं आई गेस उसमें मुझे एरर ढूंढना है, हैव को भी अंडरलाइन कर लो। चलो अकम्पनीड, अंडरलाइन पार्ट में मुझे एरर आइडेंटिफाई करना है, मुझे एरर आइडेंटिफाई करने नहीं जाना है। सिंपल, हर सेशन में आपको यही चीजें बताता हूं। व्हेन एवर आई टॉक अबाउट स्पॉटिंग एरर्स, यू नीड टू सी दिस एज इन अ डिफरेंट अप्रोच। एंड व्हाट शुड बी दैट अप्रोच? आपको एरर स्पॉट नहीं करना है। अगर एरर होगा ना, वो आपको स्पॉट कर लेगा, आपके पास उठ के आएगा वो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, सिंपल बात समझना। हम जब ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो हमें सारे रूल्स पता होते हैं। जब मुझे रूल्स पता है, जब मैं ग्रामर पूरा अच्छे से पढ़ के गया हूं, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मैं उस पर आ रहा हूं, बट ग्रामर के जो भी स्पॉटिंग एरर्स, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है ना, वो उठ के ऐसे 3D में आपके पास आएंगे। अगर आप एरर ढूंढने जा रहे हो तो आपका अप्रोच गलत है, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। मुझे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक रूल पता है कि वेन एवर सब्जेक्ट्स, टू सब्जेक्ट्स आर अकम्पनीड, आर दे आर ज्वाइंट बाय एनी ऑफ दीज कंजंक्शंस, कौन कौन से कंजंक्शंस? अकम्पनीड बाय, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक। In all these cases, the verb agrees with the first subject. इस बार examiner ने accompanied by लिखा था, next time examiner as well as लिख सकता है, next time examiner with use कर सकता है, along with, together with, इनमें से कुछ भी use कर सकता है। So the verb agrees with the first subject is singular, so singular subject will take singular verb, have should be replaced by has. ठीक है, सो यहां से करना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है भाई, सीधी बात। ये वाले कंजंक्शंस होते हैं, फिर दूसरे कंजंक्शंस होते हैं नाइदर नॉर, आइदर और वाले। नाइदर नॉर आइदर और में क्या रूल होता है? इसमें वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। सो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन गलत होता है, आप या किसी मॉक में ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है, एंड यू गाइज आर एनालाइजिंग द मॉक, सो यू शुड नॉट कम टू मी और एनी ऑफ योर टीचर्स एंड टेल देम कि सर मेरा स्पॉटिंग एरर्स गलत हो रहा है। ना ना, स्पॉटिंग एरर्स गलत नहीं हो रहा है बच्चे, गलत ये हो रहा है कि ग्रामर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा। स्पॉटिंग एरर्स गलत नहीं हो रहा है, एरर स्पॉट करने नहीं जाना है, एरर खुद उठ के आएगा, इतना भरोसा रखो। बस अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी, जो जो बता रहा हूं उतना करते चलो बस। ऑस्टेंसिबल, नाउ हियर वी हैव अ वर्ड जिसका मुझे सिनोनिम बताना है, सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल, सो ऑस्टेंसिबल इज समथिंग विच सीम्स टू बी ट्रू,
विच सीम्स टू बी ट्रू. ट्रू है या नहीं, आई डाउट दैट. सो ऑस्टेंसिबल इज समथिंग विच इज एपरेंट, विच इज एपरेंट. विच सीम्स टू बी ट्रू, लगता है कि सही है, लगता है कि सही है, बट सही है या नहीं, आई डाउट दैट. ठीक है, सो दैट इज वॉट दिस वर्ड ऑस्टेंसिबल मीन्स. अब आपको क्या करना है, यहां से ये आया भाई, ये आया आपके 2023 जिपमैट के क्वेश्चन, जिपमैट के पेपर में. ऑस्टेंसिबल के सिनोनिम्स आप उठा के लिख लो एक जगह पे. क्यों, क्यों एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का मैं आपको अप्रोच और माइंडसेट बताता हूं, समझना. उनको आप 2024 में पेपर बनाना है. सबसे पहले वो 2023 का पेपर उठाएंगे और देखेंगे यार यहां से मैं कैसे 10-12 क्वेश्चंस वैसे ही मॉडिफाई करके यूज कर लेता हूं ना. पैसेज मैं चेंज कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं चेंज कर दूंगा, बट 10-12 क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग दैट क्वेश्चंस आर रिपीटेड, बट अगर ऑस्टेंसिबल का कोई और सिनोनिम अगर अगले बार एग्जाम में आ रहा है तो मैं उसे रिपीटेड ही कहूंगा. मैं उसे आपका पुअर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर कहूंगा कि आपने ऑस्टेंसिबल को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही जाने दिया. ठीक है, ये अप्रोच लेकर चलना है हमें. Moving on, famished. Now, famished is something which is, you are famished when you are extremely hungry. You are famished when you are extremely hungry. So, this is the correct synonym. I beg your pardon. This is your correct synonym, hungry. Feasible is something which is doable, practical, pragmatic, doable, practical, pragmatic. This is what feasible means. This is what feasible means. The attorney wanted to expedite the process because her client was becoming impatient. So, expedite ka mujhe meaning batana hai in this context. But what I would suggest ki, agar aapko expedite nahi bhi pata hai, so what do you think could be the correct answer? What do you think should be, could be the correct answer? Process ko kuch karna chah raha tha because client jo tha, the client was becoming impatient. Kyun? Client impatient shayad isliye ho raha hoga kyunki usko uska kaam nahi ho raha hoga, jaldi kar raha hoga. So what the attorney wanted to do ki bhai process ko main jaldi khatam kar dun. So he wanted to accelerate or expedite the process. Accelerate is the correct synonym in this context. ठीक है? So accelerate, decelerate, ये सारे words again root word celer पर based होते हैं. Celer means swift. Celer is swift. Maruti Suzuki, simple example. Maruti Suzuki ने पहले swift निकाली. स्विफ्ट नाम यूज कर सक कर चुके थे, अब क्या, अब क्या नया नाम लेकर आऊं. तो सिलेरियो, अगेन सिलेरियो इज व्हाट, स्विफ्टनेस. स्विफ्ट को ही एक्सप्रेस करने के लिए रूट वर्ड्स है. तो रूट वर्ड्स पे अगर आपका अच्छा कमांड है, दैट इज अगेन समथिंग जो आपको एग्जाम्स में एक अलग कॉन्फिडेंस देगा, अलग कॉन्फिडेंस देगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पैल्पेबल. पैल्पेबल इज समथिंग जो दिख रहा है, जो परसीवेबल है. Perceivable. So this is again a question from JIPMAT 2023. Question from JIPMAT 2023, which I expect कि अब अगर आता है तो मेरे students को तो at least ये परेशान अब नहीं करने वाला है. Approach आपको बदलना है. फिर से कह रहा हूं, ये दो sessions pre-board की तरह work करेंगे आपके लिए. Trust me. आपको पता चलेगा आप कहां पर खड़े हो. आपको अपने loopholes, weak areas identify करोगे. अपने पैकेडिलोस पे वर्क करोगे, मजा आ जाएगा. अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम बढ़िया काम कर सकते हैं फॉर द कमिंग 2024 एग्जामिनेशन. अभी हाथ से बात गई नहीं है. ठीक है, ही पुट डैश हिज डिपार्चर फॉर अ वीक. फॉर अ वीक मतलब आगे बढ़ा दिया. सो टू पोस्टपोन समथिंग, पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन समथिंग और डिले समथिंग. To postpone something or delay something. अब यहां से मेरी क्या major learnings है? I have to make sure कि मैं phrasal verbs
ऑल द फ्रेजल वर्ब्स विद दिस वर्ब पुट. आई विल मेक श्योर कि पुट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है वो मेरे नोट्स में कंपाइल आज हो जाएंगे. इस तरीके से आपको एग्जाम को देखना होता है, इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को देखना होता है कि इस बार पुट पुट ऑफ पूछा, अगले बार पुट ऑन पूछ सकता है, पुट अवे पुट अप. देर कैन बी मेनी फ्रेजल वर्ब्स यूजिंग दिस वर्ब पुट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, मिस्टर पाल वॉज सो गुलेबल दैट ही बिलीव्ड इवन द मोस्ट आउटलैंडिश एक्सक्यूजेस ऑफ हिज इनसिंसियर एम्प्लॉइज. सो हम ये कह सकते हैं कि यार थोड़ा इमेच्योर सा था, थोड़ा इनएक्सपीरियंस था. सो उसके लिए वी हैव दिस वर्ड नाइव, नाइव, गुलेबल, नोविस. ये सारे वर्ड्स आप एक ही फैमिली में कंपाइल कर सकते हैं. गुलेबल इज समवन हु बिलीव्स थिंग्स वेरी इजिली. Naive is also someone who is inexperienced. So if someone is inexperienced, you can expect कि वो आसानी से आपकी बात मान लेगा. आप समझ गए हो क्या करना है? आप समझ गए हो कि gullible और naive के जितने भी आसपास के words हैं, वो आज आपके पास note हो जाने चाहिए. That is what I expect. Moving on, someone who is considerate, उसका opposite मुझे बताना है. Considerate is someone जो भाई हाँ ठीक है सबकी बात समझ लेता है, ठीक है. Considerate is help, is someone who is helpful. Someone who is accommodating. Considerate attitude क्या होता है कि आप कार से जा रहे हो, अब कोई old lady slowly road cross कर रही है, so आपको वहां पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, रिलैक्स रहना है, कंसिडरेट रहना है. दैट इज वॉट कंसिडरेट एटीट्यूड इज. एंड इफ यू आर इनकंसिडरेट तो आप क्या करोगे, यू विल कीप हॉन्किंग, यू विल कीप शाउटिंग कि यार जल्दी निकल जाए, रोड पे क्यों आ गई है, दैट विल बी योर एटीट्यूड. तो ये नहीं होना चाहिए. कंसिडरेट का ऑपोजिट अगर मैं देखने जाऊं, सो कंसिडरेट का ऑपोजिट विल बी इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मीन्स हैविंग नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, कैलस बिहेवियर, एट्रोशियस. एट्रोशियस इज समथिंग विच इज विकेड, समथिंग विच इज नैस्टी. सो एट्रोशियस क्राइम्स, एट्रोशियस क्राइम्स एक ऐसी चीज जो न्यूज़पेपर्स में बार बार आता है कि ही कमिटेड एन एट्रोशियस क्राइम. सो एट्रोशियस क्राइम इज समथिंग जो हम सोच भी नहीं सकते थे, इस तरह का क्राइम. दैट वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. Moving on to the next question, a bird in the hand worth two in the bush. ये question exam में होना ही नहीं चाहिए था. मैं आपको exam का एक level ये भी बताता हूँ. आप कहते हो कि सर reading में it is taking a lot of time, 10-10 मिनट लग रहे हैं एक पैसेज में. ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे 10 से 10 मिनट लग रहे हैं क्या? यहाँ पे क्या एक मिनट भी लग रहा है? नहीं, 5 सेकेंड लगेंगे सिर्फ. A bird in hand, it is a saying, it's a proverb. The bird in hand is worth two in the bush. मतलब मेरे पास क्या रिसोर्सेज, कम पैसे होना ज्यादा अच्छा है ये सोचने से कि कल मेरे पास अभी जितने पैसे उसके डबल आ जाएंगे. इट्स बेटर जो हाथ में है रिसोर्स उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल गोइंग टू चंडीगढ़ आर कार ब्रोक डैश इन मिडवे. नाउ अनदर टास्क फॉर यू गाइज. You need to note down all the phrasal verbs with this verb break. Break into क्या होता है, break apart क्या होता है, break away क्या होता है, break up क्या होता है, break down क्या होता है. So यहाँ पे क्या essence आ रहा है, that break down. Break down means to stop functioning, to stop working. To stop functioning, that is what break down means. So down, break apart. ब्रेकअप पार्ट अलग अलग हो जाना कि कोई पार्ट ही अलग हो गए. ब्रेकअप इज लाइक सेपरेशन फ्रॉम समवन. ब्रेक इनटू इट मींस यू एंटर इनटू अ प्लेस, यू एंटर इनटू अ प्लेस हरिडली विदाउट परमिशन एब्रप्टली. दैट इज व्हाट ब्रेकिंग इनटू समथिंग मींस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नन. अगेन अ क्वेश्चन from sentence rearrangement, not I beg your pardon, not from sentence rearrangement,
A question from subject verb agreement. Time and tide, wait or waits for none. So, and rule जो होता है subject verb agreement में कि when two subjects are joined by and, they take a plural verb. But there are exceptions. And what are those exceptions? कि whenever two subjects are acting like one, time and tide, जैसे we say slow and steady wins the race, not just slow. Not just steady, but a combination of being slow and steady wins you the race. Similarly, time and tide waits for none, waits, because this is working as a singular subject. This works as a singular subject. And bacha badi, that brings us to the last question of this session, the first session of VARC. उसके बाद 1 मिनट का डिस्कशन एंड देन आई विल बी बैक टुमारो विथ अनदर सेशन जो रीडिंग इंटेंसिव ज्यादा होगा और उसमें नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस भी होंगे. देर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन आर फिलोसफी. सो THAN देन यूज करेंगे क्योंकि यहां पे कोई वर्ड मुझे ऐसा चाहिए था जो कंपेरिजन के लिए हो, फॉर कंपेरिजन. सो THAN देन इज द करेक्ट आंसर. अगेन अ क्वेश्चन From JIPMAT 2023. JIPMAT 2023. So, students, that brings us to the end of today's session. I hope you guys enjoyed the session. Comment section में मुझे जरूर बताना कि जो जो मैंने आपको आज के लिए होमवर्क ड्रिल्स दिए हुए हैं वो आपने कितने इफेक्टिवली लिख रखे हैं अपनी कॉपी में. सो आई विल बी बैक टुमारो विद अनदर सेशन. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर.